रामगढ़ ताल के वेंट लैंड को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की सख्ती और बढ़ गई है। अब ताल के 500 मीटर के दायरे में एनजीटी के बिना कोई भी नया निर्माण नहीं हो सकेगा। एनजीटी हाई पावर कमेटी के सचिव राजेंद्र सिंह ने जीडीए के सचिव राम सिंह गौतम को आदेश की कापी सौंप कर आदेश के पालन की बात कही है। एनजीटी के हाई पावर कमेटी के मुताबिक ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी रामगढ़ ताल के आसपास तमाम निर्माण जारी हैं, जिसकी सत्यता एनजीटी की टीम के भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई, जिसके बाद हाई पावर कमेटी के सचिव ने जीडीए सचिव को लखनऊ बुलाकर आदेश की कापी सौंपा और उसके अनुपालन के लिए निर्देश भी दिए। इसके पहले इस ताल के करीब 150 मीटर के दायरे में निर्माण नहीं करने की चर्चा चल रही थी कि अब 500 मीटर के दायरे पर अब नए आदेश में स्थानीय लोगों का चयन भी गायब कर दिया है, जिसके दायरे में अब निर्माणाधीन प्राणी उद्यान भी आने लगा है, जिसको लेकर लोगों में असंतोष व्याप्त है। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा कि मामला संवेदनशील है और गंभीर दोनों है। एक तरफ जनहित है तो दूसरी तरफ पर्यावरण और सिस्टम है। फिलहाल इसमें जो आवश्यक कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया। देखिए, एनजीटी का दो चीज है, इस पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। 792 हेक्टेयर का एक बड़ा झील है, रामगढ़ ताल के नाम से बहुत ऐतिहासिक पुरातत्विक झील है, उसका सुरक्षा और संरक्षण में भी सरकार बहुत संवेदनशील के साथ काम करती है। उस पर जो कितने दाराएँ में जो वो होता है, इंक्रोचमेंट होता है, इंक्रोचमेंट हम लोग हटा करके उसको जो तीनों चारों तरफ हम लोग उसको पिचिंग करा करके रोड के जरिए से उसको घेर के सुरक्षित कर रखा है। नहीं तो एक तरफ से पूरा इंक्रोचमेंट हो रहा था, धीरे धीरे ये ताल खत्म हो जा रहा था। अब एनजीटी का एक दो ऑब्जर्वेशन है, ताकि एनजीटी ने एक एडवाइजरी कमेटी माननीय रिटायर्ड हाईकोर्ट जज साहब डीपी सिंह साहब का अध्यक्षता पे बनाया है। उसको टीम तो हर महीने आती है, उन लोग को सुझाव देते हैं। खास तौर पे जो उन लोग का जो मनसा यही है, जो रामगढ़ ताल का जो कैचमेंट एरिया कहाँ से पानी आता है, खासतौर पर उसी एरिया में बहुत विस्तार से जो निर्माण काम हो गया, उसी की वजह तो पानी का अगाव है जो वहाँ आता है हर साल बरसात के समय में, वो तो कम होती जा रही है। उसके लिए तो उनने तमाम सुझाव रखा है। खासतौर पर उनने जो आसपास का जो कितने स्ट्रक्चर उसे सर्वे करने के लिए बताया था, हम लोग सर्वे किए। उसके बाद हम लोग से एक योजना मांग रहे हैं, खासतौर पर यहाँ नाली नाला जो भी रामगढ़ ताल में गिरता है उसको बिना मतलब शुद्धि करते हुए तो नहीं डालने के लिए उनका निर्देश है, उसको हम लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं। उसलिए 2 STP पहले से चल रहा है, और भी अभी 80 किलोमीटर का अमृत योजना के अंदर जो कितने नाला बन रहा है आसपास का, सबको टैप करते हुए योजना भी बन रही है, बहुत तेजी गति में बन रहा है। इनको 2-3 ऑब्जर्वेशन खासतौर पर यही है, कैचमेंट एरिया पर जो निर्माण नहीं होना चाहिए था उसको हम लोग 2021 का जो मास्टर प्लान गोरखपुर विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान में सम्मिलित करते हुए जो हम लोग एनजीटी को भी कन्विंस करेंगे, हम कोशिश करेंगे ताकि विकास को भी गति कमी नहीं होना चाहिए था, साथ साथ जो रामगढ़ ताल का भी सुरक्षा करना है। इसलिए तो दोनों का हम लोग बैलेंस करते हुए हम लोग आगे निकालेंगे उसको।